तो आज हम लोग क्लास 12 समुच्चय पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें पहला टॉपिक है उपसमुच्चय। तो ये उपसमुच्चय क्या होता है, इसका हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव बी के भी एक अवयव अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए उपसमुच्चय को कैसे दिखाते हैं। देखिए, अगर ए और बी हैं तो देखिए ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक ना। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। अब देखिए, जैसे जो लिखा है इसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे देखिए, समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 अवयव हैं, ठीक ना। इसमें 3 अवयव ही रहने देते हैं, ये 3 अवयव हो गए। और बी वाले में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर लिया। तो देखिए, इस बी समुच्चय में 5 अवयव हैं और समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। ये तीनों अवयव समुच्चय बी में हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव, ठीक ना। देखिए, ए के प्रत्येक अवयव मतलब तीनों अवयव, बी के भी एक अवयव हो मतलब ए वाले इसके अंदर इसके अवयव भी हो, तो हम कहेंगे समुच्चय ए को समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे देखिए, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। अब देखिए, इसमें जैसे लिखा है ए अगर उपसमुच्चय है बी का, ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि यदि अतः इसका मतलब हुआ कि यदि ए अगर ये अवयव है ए का, ठीक ना, अगर इस समुच्चय के अंदर एक अवयव ए है तो यही अवयव बी में भी होगा, ठीक ना। क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए ए के प्रत्येक अवयव बी में भी होंगे, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय है। अब देखिए, अगर एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे सी बराबर ये लिख दिया 7 और 1 8, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर इस सी समुच के जितने भी अवयव हों ये ए बी में नहीं है, कोई भी बी में उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं सी उपसमुच्चय नहीं है बी का, ठीक ना। तो ये समुच्चय होने का ये चिन्ह होता है, और समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, एक पॉइंट लिखते हैं कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि ए को बी का उपसमुच्चय होने के लिए केवल यही आवश्यक है कि ए के प्रत्येक अवयव बी में हो, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, ए को समुच्चय बी का एक उप समुच्चय
होने के लिए, होने के लिए केवल, ठीक ना, केवल यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक या सभी अवयव बी में, समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, ठीक ना। तो देखिए ये पॉइंट हो गया, इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हमने ए के बारे में तो बता दिया, अब देखिए बी वाले में एक दो केस हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ ए, देखिए एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि यहाँ ए एक, एक दो तीन, ये तीन अवयव वाला एक समुच्चय लिया हमने ए, और इसी प्रकार बी वाला एक लिया दो तीन एक, ठीक ना। तो जैसे कि क्रम की बाध्यता नहीं होती है तो हम एक दो तीन ले सकते हैं या दो तीन एक। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें, इस वाले बी की बात करें इसके सापेक्ष में, तो देखिए बी के प्रत्येक, देखिए बी के प्रत्येक अवयव भी ए में है, ठीक ना। यहाँ देखिए ए दो तीन एक है और यही अवयव ए में भी हैं, तो ये कह सकते हैं कि बी के प्रत्येक अवयव ए में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बी उप समुच्चय है ए का, ठीक ना। और देखिए इस प्रकार इधर भी देखें तो ए के प्रत्येक अवयव बी में है, तो इससे क्या होगा, ए भी उप समुच्चय होगा बी का। तो लिखेंगे ए उप समुच्चय है बी का, ठीक ना। अब देखिए एवं, और इसी प्रकार बी उप समुच्चय है ए का। यदि इस प्रकार का कंडीशन बने तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये ए बराबर बी होगा, मतलब ये दोनों समुच्चय बराबर होते हैं। देखिए प्रत्येक उप, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का, अपने आप या स्वयं कह लीजिए, स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक है रिक्त समुच्चय, ठीक ना। देखिए रिक्त समुच्चय इसको फाई से दिखाते हैं, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ठीक ना। तो ये इसको दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। एक नंबर में या बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं। देखिए माना ए और बी दो उप, दो समुच्चय हैं जिसमें, ठीक ना, जिसमें ए उप समुच्चय हो बी का, ठीक ना। ए उप समुच्चय हो बी का एवं ए बराबर बी के न हो, ठीक ना। ए बराबर बी का न हो मतलब देखिए ए उप समुच्चय है बी का। देखिए स्थिति कैसे बनेगी, जैसे मान लिया ये बी है, बी में ए बी सी डी और ई, ठीक ना। और इसमें ए लिख लिए बी सी डी, ठीक ना। तो देखिए ये है, देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है और ए बराबर बी नहीं है, मतलब ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है, मतलब सबके, देखिए बी के प्रत्येक अवयव ए में अगर होते तो बी ए का सब उप समुच्चय होता, तो और ए तो यहाँ तो ए बी का उप समुच्चय है, ठीक ना।
तो देखिए ए बराबर बी की नहीं है तो इस प्रकार का कंडीशन में क्या होगा, ए तो ए तो समुच्चय ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा, ठीक ना। तो उचित उपसमुच्चय किसे बोलते हैं, तो लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक ना, एवं समुच्चय बी को अधिसमुच्चय ए का, ठीक ना, को समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक ना। अधिसमुच्चय किसे मतलब होता है, ये होता है सुपरसेट, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय ठीक ना। तो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय कौन कौन से हैं, इसके लिए हमको वास्तविक संख्या और जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए वास्तविक संख्या ये रही, वास्तविक संख्या ठीक ना, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये होती है अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर एवं परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या का के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक ना। अपरिमेय संख्या में जैसे √2 या √2, √3 या और पाई, ठीक ना, तो इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इसमें जो होगी, तो देखिए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, -5 शून्य 4 11/2 -5/7, ठीक ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या मतलब जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, और जिसमें P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को फिर आगे बांटेंगे तो एक प्राप्त होता है, देखिए ये हो गया भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक ना, भिन्नात्मक संख्याएं, और ये हो जाएगा पूर्णांक, ठीक ना। तो भिन्नात्मक संख्याएं देखिए 11/2, 5/7, ठीक ना। तो इस प्रकार की संख्याएं भिन्नात्मक संख्या कहलाती है, और पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक ना। तो ये पूर्णांक कहलाती है, और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, देखिए इंटीजर होता है ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है, ठीक ना। तो इंटीजर देखिए इसमें क्या हो गया, ये जो होता है ये धनात्मक, इसको ना जेड से दिखाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, और ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक,
और ये शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक ना। देखिए फिर इसको आगे बांटेंगे तो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके आगे ये प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, नेचुरल नंबर कैपिटल एन से दिखाते हैं और इसको जेड से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या डब्ल्यू से दिखाएंगे, ठीक ना, इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक ना, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो अब ये प्राकृतिक संख्या को फिर से आगे विभाजन करेंगे तो मिलेगा सम संख्या, विषम संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो सम संख्या जैसे जो संख्या दो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दो चार छः आठ दस, फिर विषम संख्या जो दो से विभाजित ना हो, एक तीन पाँच सात नौ। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, चार तो छः आठ नौ दस ऐसे। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो इसमें मिलेंगे आपको दो तीन पाँच सात ग्यारह, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमको ये संख्याएं प्राप्त हुई। अब देखिए इसमें इससे ये पता चलता है कि वास्तविक संख्या सबसे बड़ा समुच्चय होता है, इसके अंतर्गत दो बड़े बड़े विभाजन होते हैं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक भिन्नात्मक संख्या हो जाती हैं, फिर अगर इसको और आगे विभाजन करें तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक संख्या को फिर से विभाजन करें तो सम संख्या विषम संख्या भाज्य एवं अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं। अब देखिए इनका अगर हम समुच्चय बनाएं तो देखिए ये सम संख्याओं का समुच्चय है ये, ठीक, फिर ये विषम संख्या का समुच्चय है, ये है भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या का समुच्चय है। तो देखिए ये सभी समुच्चय जो हैं ये प्राकृतिक संख्या के उपसमुच्चय हुए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो शुरू के समुच्चय अगर का बनाए तो एक दो तीन चार पाँच छः और ये अनंत तक है, तो इसी से ये समुच्चय प्राप्त हुए हैं, या इन सब इन सभी समुच्चयों के सभी प्रत्येक अवयव प्राकृतिक संख्या में हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय या भाज्य या अभाज्य संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्या के उपसमुच्चय हैं, ठीक ना। इसी प्रकार आगे ऊपर जाएं तो देखिए पूर्णांक के अंतर्गत ही ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये सभी संख्याएं हैं, तो हम बोल सकते हैं ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और ये सभी संख्याएं उपसमुच्चय होंगी पूर्णांक समुच्चय की, ठीक ना। और अगर इसके ऊपर भी देखें तो देखें पूर्णांक है भिन्नात्मक संख्या है, ये सभी उपसमुच्चय होंगे परिमेय संख्या के, ठीक ना। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उपसमुच्चय होंगे वास्तविक संख्याओं के, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए क्या प्राप्त हो गया, वास्तविक संख्या को रियल नंबर और कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो हमको मिला प्राकृतिक संख्या उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का, या पूर्ण संख्या उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का, ठीक ना। जेड जेड को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक उपसमुच्चय होता है वास्तविक संख्या का, ठीक। परिमेय संख्या उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। तो इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के ये सभी उपसमुच्चय हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे अंतराल, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, उपसमुच्चय
के रूप में, ठीक ना। इसको समझाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ ऑफ आर, ठीक ना। रियल नंबर के उपसमुच्चय के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे उपसमुच्चय, ये वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम दिखा सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए इसमें अगर हम इसमें देखिए कुछ अंतराल ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए संख्या इस संख्या रेखा पर हम अनगिनत या अनंत वास्तविक संख्याओं को दिखा सकते हैं। देखिए इन पर इस संख्या रेखा पर अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनमें से हम कुछ अंतराल लेकर उसको दिखाते हैं। जैसे देखिए अगर हम 1 से लेकर 4 ये अंतराल अगर लेते हैं, ठीक ना, तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर एक टुकड़ा ले लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये वो टुकड़ा उस पूरी चीज़ का एक उपसमुच्चय है, ठीक ना। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भाग ले लूं, जैसे ये ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने एक टुकड़ा ले लिया, तो ये क्या हो गया कि जो ये हमने लिया टुकड़ा ये इसी का उपसमुच्चय है, ठीक ना। तो इसी तरह हम संख्या रेखा पर जैसे बताया अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इनमें से हम एक भाग ले रहे हैं तो ये भाग इस वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय ही होंगे, ठीक ना। इसीलिए लिखा हुआ है अंतराल, हम ना 1 से लेकर 4 तक के अंतराल ले रहे हैं तो जो वास्तविक संख्या के समुच्चय के रूप में इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन है, तो देखिए ये लिखेंगे यक्स, सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्स वास्तविक संख्या है और यक्स देखिए बड़ा है 1 से और छोटा है 4 से, ठीक ना। ये पहला कंडीशन लिया, तो देखिए इसमें क्या है, यक्स बड़ा है 1 से, ठीक ना, मतलब 1 से बड़ा है मगर 1 नहीं है, ठीक ना। और यहाँ यक्स छोटा है 4 से, तो मतलब 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम 1 और 4 को छोड़ के बात कर रहे हैं। तो अगर हम 1 से बड़ा ले रहे हैं तो 1 को नहीं ले रहे हैं, तो मतलब हम इतना ले सकते हैं कि 1.111, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से 1 के बराबर नहीं हो। और बोला है 4 से छोटा, मतलब 4 के बराबर नहीं, तो हम लिख सकते हैं 3.9999, जितना भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना, बट 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अंतराल को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक ना, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक ना। तो और इसको हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल, लिख लेते हैं विवृत अंतराल, ठीक ना। खुला हुआ है, इसका मतलब जहाँ जहाँ तक को हम लिए 1 से 4 को लिया के बीच का अंतराल ले रहे हैं, तो इसमें 1 और 4 को शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो इसको किस प्रकार दिखाया जाएगा, जैसे देखिए ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। तो 1 से 4 को है मगर 1 और 4 को नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गोला लगा देंगे, ठीक ना, ये गोला हो गया और यहाँ पर भी एक गोला ले लिया, ठीक ना। इसका मतलब हमने 1 और 4 को लिया नहीं, हमने केवल 1 से आगे ये डॉट डार्क कर दिया और 4 से छोटा लिए हैं, तो ये इस प्रकार इसको दिखाते हैं, ठीक ना। और इसको अंतराल में इस प्रकार लिखते हैं, देखिए ये है छोटा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक ये ओपन इंटरवल या विविध अंतराल को दिखाता है। तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, ठीक ना, मतलब 1 और 4 को लेंगे नहीं, ठीक ना, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसको इस प्रकार भी लिखते हैं और देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ये है, ठीक ना, देखिए ये है बंद अंतराल होता है, ठीक ना, क्लोज इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं।
ठीक ना। तो अगर इसका ओपन इंटरवल लिखना हो तो हम इसको इस छोटे कोष्टक में इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक ना। मतलब ये बंद है तो ये खुल गया, खुल गया कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर चार तक, ठीक ना। तो इस प्रकार ये पहला अंतराल हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन हो गया, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए ये होगा सभी यक्ष का समूच इस प्रकार है कि यक्ष बिलोंग्स टू आर, या यक्ष वास्तविक संख्या का एक अवयव है, और किस प्रकार है, यक्ष बड़ा है या बराबर है एक से और छोटा है चार के, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, एक को शामिल कर लिया, ठीक ना। यक्ष बड़ा है या बराबर भी है एक से और चार से छोटा है, मतलब चार के बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे देखिए सेमी ओपन, सेमी ओपन बोलेंगे, या कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड, ठीक ना। सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, तो देखिए इसको लिख लेंगे अर्ध विवृत अंतराल, और ये या इसको ले सकते हैं अर्ध संवृत अंतराल, ठीक ना। इसको कह सकते हैं कि या तो देखिए एक तरफ पूरा बराबर है, ठीक ना, तो एक पूरा मतलब एक तरफ बंद है मतलब क्लोज इंटरवल है, और एक तरफ खुला हुआ है मतलब चार को शामिल नहीं किया, या अगर ओपन की तरफ बात करें तो एक तरफ बंद है और एक तरफ खुला है, तो मतलब आधा खुला है या कह सकते हैं आधा बंद है, है ना। दोनों तरफ बंद होता तो क्लोज इंटरवल हो गया होता, दोनों तरफ ओपन है तो दोनों तरफ ही होता ओपन इंटरवल। और इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। अब ए को शामिल किया गया है तो ए को हम यहाँ पर डॉट कर देंगे, ठीक ना, मतलब ए को हम ले रहे हैं, और चार को ओपन है तो इसको गोला कर देंगे ऐसे, और इसको डार्क कर देंगे, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार दिखाते हैं, और इसको अंतराल में लिखेंगे तो देखिए ये बंद है, है ना, क्लोज इंटरवल, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार एक, और इधर वाला ओपन है मतलब चार को शामिल नहीं किया है, तो इसको छोटे कोष्टक से दिखाएंगे, ठीक ना। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देखिए एक तरफ तो बंद है तो एक तरफ बंद लिख दिया, और एक तरफ ये खुला है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक ना, इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार हो गया। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, तो देखिए थर्ड कंडीशन में क्या होगा, यही चीज रहेगा। देखिए यहाँ अब हम इसको ओपन कर दे रहे हैं और इसको बंद कर दे रहे हैं, मतलब अब हम चार को भी शामिल करेंगे, तो ये हो जाएगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक ना। ये भी बात हुआ कि आधा खुला है या आधा बंद है, तो यहाँ लिखेंगे अर्ध विवृत और यहाँ लिखेंगे अर्ध संवृत अंतराल, तो ये इस प्रकार ये तीसरा कंडीशन बन गया। तो इसमें क्या है कि इसको ये ओपन है मगर ये क्लोज्ड है, तो इसको चार को गाढ़ा कर देंगे यहाँ पर, ठीक ना, डॉट बना देंगे यहाँ पर, और इसका अंतराल कैसे लिखेंगे, एक तो ओपन है मगर ये क्लोज्ड हो गया, तो ये हम क्लोज कर दिए, ये ओपन है मगर ये क्लोज हो गया, देखिए ये क्लोज हो गया, ठीक ना। इस प्रकार अब देखिए चौथा पॉइंट में है कि जब पूरा क्लोज्ड हो, तो यहाँ हो जाएगा देखिए बराबर और ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, सॉरी ये हो जाएगा हाँ, तो देखिए इसमें हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो गया है, तो लिखेंगे संवृत अंतराल, संवृत अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल, ठीक ना। और क्लोज है तो दोनों तरफ डॉट लगा देंगे, और क्लोज के लिए अंतराल इस प्रकार लिख देंगे एक से चार तक,
ठीक ना। तो इस प्रकार अंतराल आर के उपसमुच्च के रूप में हमने देख लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग घात समुच्च देखेंगे। तो ये है घात समुच्च, तो इसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट, तो देखिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम पहले। माना ए कोई अरिक्त परिमित समुच्च है, ठीक ना। अरिक्त का मतलब होता है खाली न हो, ठीक ना, नॉन एम्प्टी। परिमित मतलब फाइनाइट समुच्च होने चाहिए, है ना। इसमें समुच्चों की मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, ठीक ना। तब समुच्च ए के सभी उप समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए एक समुच्चय है, इसके अवयव 1, 2, 3 हैं। तो इसमें हम इसके घात समुच्चय लिखेंगे। तो घात समुच्चय क्या होगा, इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उनको एक समुच्चय के रूप में लिख लेंगे। देखिए इसके समुच्चय बना, 1 का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया, फिर देखिए 1, 2 को ले लेते हैं, 1, 2 का, फिर 1, 3 के संग ले लिया, फिर 2, 3 का ले लिया, ठीक ना, और एक पूरा 1, 2, 3 ले लेंगे। तो जगह 1, 2, 3 हो गया। और एक हमने बताया था रिक्त समुच्चय किस सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो एक यहाँ फाइव ले लिया, ठीक ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो इस प्रकार घात समुच्चय में समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो, देखिए घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 3, है ना। तो 2 के घात 3 मतलब 8। इसमें देखिए एक नोट लिख लेते हैं, एक प्रमेय है, यदि किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो इसके घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 2 की घात n होती है, ठीक ना। तो देखिए जैसे अगर इसमें कोई एक समुच्चय ले लिया b बराबर 2, 3, 4, 5, ठीक ना। तो अगर हम इसका n p a निकालें, ठीक ना, मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात, इसमें जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4। इसको अगर हम हल करें तो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो ये जाएगा 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। तो इस प्रकार घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 16 हमें प्राप्त होगी। अब देखिए इसके आगे प्रश्नावली 1.3 करेंगे।